गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू लेसन फोर्थ केदी और कोकिला. टुडे आई विल कंटिन्यू इन दिस चैप्टर. काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोटरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर भी है गाली ए आली. इसमें जो कवि माखनलाल चतुर्वेदी, उन्होंने क्या बताया है कि जो हर एक चीज़ है, मतलब वो जेल के अंदर जो जहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी जो कैद है, वहाँ की हर एक चीज़ कालीमा लिए हुए है, यानी हर एक चीज़ को वहाँ पर काली बताया गया है. और जो काला रंग होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, दुख और किसी बुराई का प्रतीक माना जाता है. तो उसने क्या कहा है, काली तू रजनी भी काली, कि हे कोयल तू भी काली है, और ये जो रात्रि है वो भी क्या है, कालीमा लिए हुए है, काली है. शासन की करनी भी काली, और यहाँ पे जो शासन कर रहे हैं जो लोग हैं, जो यहाँ पे पहरा देने वाले लोग हैं, जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिशर हैं, वो भी क्या, उनके कर्म भी हैं वो भी क्या, काले हैं. यानी वो किसी के साथ समान व्यवहार नहीं करते हैं, उनके व्यवहार में भी असमानता है, तो वो भी क्रूर व्यवहार वाले हैं. काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोटरी भी काली. और जितनी यहाँ पे कल्पनाएं की जाती है, जो यहाँ पे लोग जो भी सोचते हैं, जो भी अपना व्यवहार है उनका, वो भी क्या, उनकी लहर भी क्या है, काली है. उनका सोचना, उनकी कल्पना करना भी कालीमा लिए हुए हैं. मेरी काली कोठरी भी काली है, और ये जो मैं जिस कोठरी के अंदर कैद हूँ, जिस कमरे के अंदर मैं कैद हूँ, वो काल कोठरी भी क्या है, उसमें भी पूरी तरह अंधकार छाया हुआ है. टोपी काली कमली काली, यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने जो टोपी पहन रखी है वो भी क्या है, काले रंग की है, ठीक है. और कमली, और जो ओढ़ने के लिए हमें जो कंबल देते हैं, उसका रंग भी क्या है, काला है. मेरी लोह श्रृंखला काली, और ये जो लोहे की सलाखें हैं वो भी क्या है, काले रंग की है. यानी कहीं पे कोई प्रकाश, कहीं पे कोई रोशनी नहीं दिखाई दे रही है, हर एक चीज़ कालीमा लिए हुए है. तो यहाँ पे कुछ अच्छा कैसे हो सकता है. पहरे की हूँ कृति की ब्याली, इस पर है गाली ए आली. यानी जो पहरे का बिगुल बजाया जाता है, जो पहरे का बिगुल बज रहा है वो भी क्या लग रहा है, हमें गाली के समान प्रतीत हो रहा है, वो भी हमें क्या लग रहा है, एक तरह से गाली के समान सुनाई दे रहा है. फिर अगला है, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती. कोकिल बोलो तो, यानी कोयल क्या कर रही है, अपना जो मधुर संगीत है उस पर काले संकट के सागर पर क्या कर रही है, वो बेकार कर रही है. यानी क्या है, चारों तरफ काले रंग का संकट छाया हुआ है, और उस संकट रूपी सागर के ऊपर वो क्या कर रहा है, अपना जो मधुर संगीत है, जो अपनी आवाज़ से वो गा रही है, वो क्या कर रही है, वहाँ पर बेकार कर रही है. इसलिए कवि को क्या लगने लग गया, कि कोयल जो है वो क्या है, अपनी जान देने को भी तैयार है. यानी जैसे भी मान लो कि कोयल यहाँ पे आई है, अब कोयल को ये नहीं पता कि जो वो मधुर संगीत गा रही है, वो जो मधुर आवाज़ कर रही है, वो किस संकट सागर का संकेत दे रही है. यानी अब उसे ऐसा लग रहा है कि, कवि को क्या लगता है, कि जो कोयल है ऐसा लग रहा है कि वो अपनी जान देने को भी तैयार है. तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोटरी काली, तेरा नभ में संसार, मेरा 10 फुट का संसार. अब इस पैराग्राफ के अंदर या इस कविता के अंदर जो गुलाम और किसके बीच में, जो एक आज़ाद जिंदगी है उसके बीच में अंतर बताया गया है, कि एक गुलाम का जीवन कैसे होता है और एक जो आज़ाद, जो स्वच्छंद घूम रहा है, ठीक है, उस व्यक्ति का या उस जो मानव है उसका जीवन किस प्रकार का बताया गया है. तो क्या बताया है इसमें, एक गुलाम और आज़ाद जिंदगी के बीच में अंतर बताया गया है. और क्या बताया गया है, कि इनमें जो, मतलब ये जो गुलाम होते हैं और जो आज़ादी लिए हुए जो मानव होता है, उनमें क्या होता है, ज़मीन आसमान का अंतर होता है. कि एक तो जो आपको बताया कि मान लो कि किसी को कैद करके छोड़ देंगे, तो उसकी तो हर एक इच्छाएं, हर एक जो, मतलब उसकी मन में जो उसके कल्पनाएं होती है, वो सारी क्या हो जाती है, कैद हो जाती है. लेकिन जो आज़ाद मनुष्य होगा वो क्या करेगा, अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा, खुला घूमेगा, उसकी सोच भी खुली होगी. तो क्या मैं कहने का मतलब है कि जो स्वाधीनता और पराधीनता, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है.
तेरा नब में संसार, यानी अब जो एक मान लो चिड़िया होती है या कोयल है, वो क्या होता है, एक जो पक्षी होता है वो पूरे मतलब आसमान के अंदर स्वच्छंद होकर घूमता है, लेकिन एक कैदी को तो क्या होता है, 10 फुट का क्या दिया जाता है, संसार दिया जाता है, 10 फुट की ही जगह दी जाती है रहने के लिए, कि बस उसका जीवन तो उतनी सी जगह में ही समाप्त हो जाएगा। तेरे गीत कमावे वाह, रोना भी मुझे गुना। और जो पक्षी होते हैं, जो मान लो कोयल होती है, वो क्या गीत गाती है, मुँह से बोलती है, तो क्या होता है, सब लोग उसकी वाह वाह करते हैं, सब बोलते हैं कि कई पक्षी गा रहा है या कोयल गा रही है, लेकिन जो कैदी होता है उसका तो रोना भी क्या होता है, गुना माना जाता है, बेकार माना जाता है, रोना भी गुना। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही है तिस पर रंगबहरी। और यह देखकर कवि का मन क्या कर रहा है, इस विषमता को देखकर जो कवि का मन होता है वो क्या होता है, सहम जाता है, विवश हो जाता है, क्या हो जाता है, क्यों, क्योंकि विषमता देखो कितनी है, एक तो जो मान लो खुला जो मनुष्य घूम रहा है, एक कैदी जो मनुष्य होता है, उनके रहन सहन में अंतर आ जाता है, उनकी सोच में अंतर आ जाता है, उनके खाने पीने में अंतर आ जाता है, तो इस विषमता को देखकर कवि का मन क्या हो जाता है, सहम जाता है, डर जाता है। इस संकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। अब कवि क्या कहता है कि कोयल की पुकार पर वह कुछ भी करने को तैयार है, मतलब अब कवि का मना है कि वो बोल रहा है कि अगर कोयल कुछ पुकार करके कहेगी तो वह कुछ भी करने को तैयार है, कि जिस प्रकार मोहन, यहाँ मोहन से क्या अर्थ लिया गया है कि मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, कि उन्होंने जो व्रत लिया था, उन्होंने जो क्या की थी, हाँ शपथ ली थी या व्रत लिया था, प्राणों का आसव किसमें भर दूं, तो तुम मुझे ये बताओ, कवि कहता है कि जेल से बाहर जितने भी प्राणी मिले, हे कोयल, उसको बोल रहा है कि कोयल के द्वारा उसमें क्या करना है, गुलामी के खिलाफ, ठीक है, गुलामी से लड़ने की क्या भर दे, एक ताकत भर दे, एक हिम्मत भर दे, यानी कवि का ये मानना है कि वो इस कोयल के द्वारा इस जेल से बाहर जितने भी लोग हैं, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके मन में वो क्या करना चाहता है, एक मतलब ऐसे ब्रिटिशर, ऐसे अंग्रेजों से देश के लिए जो आतंकवाद है उससे लड़ने के लिए वो उसमें हिम्मत भरना चाहता है, यानी लोगों में एक तरह से वो क्या कहना है, जागृति लाना चाहता है, जो कोयल के गीतों के द्वारा लाई जा सकती है, इसलिए उसने जो ये कवि है वो कोयल के माध्यम से लोगों के मन में स्वतंत्रता संग्राम के प्रति क्या भरना चाहता है, आस्था भरना चाहता है कि हमारे देश के ऊपर अगर कोई भी संकट आता है, कोई भी कठिनाई आती है, तो हमें उसका क्या करना चाहिए, डटकर सामना करना चाहिए, ना तो हमें ऐसे कोई अंधकार में जीवन से डरना चाहिए, ना ऐसी कठिनाइयों से क्या होना चाहिए, घबराना चाहिए, बल्कि उन मुश्किलों में डटकर उनका सामना करेंगे तो हमारे देश में क्या आएगी, जरूर ही आज़ादी आएगी, और एक क्या होगी, प्रशंसा की लहर उठेगी, ठीक है, एक साहस की लहर उठेगी, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा देश खुशहाल हो जाएगा। तो अब क्या होता है कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, अब पूरा चैप्टर ने आपने प्रीवियस क्लास में जो चैप्टर रीड हुआ था उसको आपने रीड किया होगा, अब जो हाफ चैप्टर बचा हुआ था वो आज आप रीड करोगे, उसमें अगर किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न है तो आप नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हो, ओके। तो सो टुडे इज़ योर होमवर्क, फाइंड क्वेश्चन आंसर एंड राइट नोटबुक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।